पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर वरेण्यम्। इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। प्रणाम छोटी रानी सरकार। प्रणाम गुरुजी। आप राजकुमार जी के साथ यहाँ? ये तुम्हारे गुरुजी हैं मालेराव, इन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया और तुमने इन्हें गुरुदक्षिणा कैसे दी? इनका अपमान किया, इनके जूते में बिच्छू डाल दिया और इनकी पूजा के सामग्री में लाल मिर्च मिला दी, याद है ना तुम्हें गुरुजी? आपने इतने सालों से मालेराव को पढ़ाया है, मालेराव के रूप में आप अपने भावी राजा को देखिए और मुझे बताइए कि 10 में से आप मालेराव को कितने अंक देंगे? गुरुजी, आप होलकर परिवार के शिक्षक हैं, आप बेझिझक होकर उत्तर दीजिए। देखिए गुरुजी, आप मालेराव के उस दुष्कर्म को याद कीजिए और फिर बताइए। गुरुजी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, बताइए। तीन अंक। तुम अपने आप को मालवा का भावी राजा मानते हो ना मालेराव, तो तुम ये भी जानते होंगे कि एक राजा सिर्फ अपनी प्रजा से बनता है, एक राजा उसकी प्रजा का पालक होता है मालेराव, उनकी सुरक्षा करता है वो। अब तुम खुद ही देख लेना तुम्हारी प्रजा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। चलो मेरे साथ। दो अंक महारानी। आप भी अपने अंक बताइए। देखिए, आप निडरता से अपने विचार मुझे बता सकते हैं। आप मालेराव को मालवा के राजा की तरह नहीं, उस इंसान की नजर से देखिए जिसने आपके घर को जलाने की कोशिश की थी। अब बताइए। शून्य। देखा तुमने मालेराव, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने तुम्हें 3 से ज्यादा अंक दिए हो। तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से तुम सिर्फ 3 अंक कमा पाए हो मालेराव। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम एक नया रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो? विवाह के लिए काबिल हो तुम मालेराव? हम राजकुमार हैं और इतना काफी है, और आपको हमारे शादी के लिए सहमति देनी होगी, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसे ही हम उस वाड़े को भी जला देंगे जैसे हमने इस झोपड़ी को जलाया था।
मालेराव, मेरी बात सुनो तुम। और क्या सुनना है? और आप हमें गांव वालों के बीच में लाकर हमारी बेइज्जती करना चाहती थी ना, वो आपने कर ली। मालेराव, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखाना चाहती हूँ। तुम्हारी गलतियां दिखाकर मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारी गलतियां पहचानो और उन्हें सुधारो। मालेराव, अगर मैनाबाई के साथ तुम विवाह करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा। विवाह तब भी सफल होता है जब एक लड़का और लड़की की सोच एक होती है, समझे तुम? भी मार्गदर्शन कीजिए। जय शिव शंभू। पौधे में भी जान होती है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम ऐसे ही चीजें तोड़ देते हैं। हम जो भी करें वो सामने वाले को सहना पड़ता है। और आई साहब ने कहा है कि हमारा विवाह तभी होगा जब हम दोनों की सोच एक होगी। पर हम तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते, इसीलिए तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा। आपके जैसा? आपके जैसा मतलब? खतरों से खेलना हमारी आदत है, इसीलिए हमारी पत्नी को भी खतरों से भय नहीं होना चाहिए और वो बहादुर भी होनी चाहिए। खतरा? कैसा खतरा राजकुमार जी? वो बात भूल गई, जब हमने तुम्हें छज्जे के कटहरे पर हाथ ऊपर करके चलने को कहा था, लेकिन तुमने भयभीत होकर मना कर दिया। हम वही बात कह रहे हैं, और तुम्हें खतरों से बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम भी इस रिश्ते को अपनी सहमति दे दो और ये शगुन इनकी तरफ। बाबा साहब, माफी चाहती हूँ, लेकिन आपकी अनुमति हो तो मैं एक बार अप्पा साहब और सावित्री वैनी से बात करना चाहती हूँ। हाँ, करो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।